ये आप देख सकते हैं धूप भी आ चुकी है और ये सुबह सुबह के नज़ारे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और हम भी एकदम अच्छे से हैं। तभी दोस्तों टाइम हो गया है, सुबह के बज गए हैं 6:30 लगभग और हम लोगों को ये ना चाय वगैरह तो हो चुकी है। तो अभी ना मैंने ऊपर वाले रूम में बिल्कुल झाड़ू वगैरह मार के पूरा रूम वगैरह पूरा सेट कर दिया है, ये देखो। और बाकी जो है बच्चे भी उठ चुके हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे किचन में नाश्ता बनाने के लिए। बाकी घर मतलब पानी वगैरह पीने का जो हम लाते हैं वो भी मैं ले आई हूँ। और देखो झाड़ू मेरी लगी रही है, तो नीचे आंगन में भी झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद नाश्ता बनाना है और बच्चे ना आराम से देखो यहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है, खेलते रहो दोनों। तो चलिए झाड़ू उठाते हैं। अभी दोस्तों देखो आंगन की सफाई भी हो चुकी है और बाकी यहाँ देखो मम्मी ने सुबह सुबह भैंस को नहला दिया है। हमारी भैंस नहाती है दो टाइम से दोस्तों, हम भी नहीं नहाते हैं और हमारी भैंस दो टाइम नहाती है सुबह शाम। और अगर और भी ज़्यादा गर्मी पड़ी, बारिश नहीं हुई, तो 3 टाइम नहाएगी, फिर शाम को भी नहाएगी, रात को भी नहाएगी भाई। और सिम्बा, ये देखो सिम्बा, तेरे क्या हाल चाल है भाई, हाल चाल क्या है तेरे बता। और यहाँ पर चंदू भी आराम से घास खाने में लगा, लेकिन भाई ये मारता बहुत है, ऐसा अटैक करता है ना ये, अगर ध्यान ना दी तो ऐसे चलेंगे और अपने ध्यान में तो ये हाथ पाँव तोड़ देगा हमारे, इतनी भयंकर जोर से मारता है ये। और इधर ये है, ये अभी मारता नहीं है, अभी बड़ा होगा फिर मारेगा, अभी तो नहीं मारता। तो भैंस को अब नहला दिया, अब अंदर बांध देते हैं हम, क्योंकि धूप आने लग गई है ना, तो इसलिए भैंस को जाती है गर्मी, तो इसे नहला के सीधा अंदर बांध। दोस्तों अभी ना शाम का टाइम हो चुका है और ना अभी मम्मी ना चाय ला चुकी है और यहाँ पे हम खा रहे भी बिस्किट। और अद्दू को देखो, मैंने कहा ना अद्दू जाजी बोल जाजी, तो अद्दू जाजी बोल रहा था, मैंने कहा अक्का बोल अक्का, तो ये अक्का बोल रहा था, मैंने कहा मम्मा बोल मम्मा, तो इसने मम्मा बोला, पापा बोले तो पापा बोला। अब आज ही सब कुछ बोलने लग गया ना, तो परफेक्ट हो गया तेरा भाई। और दीदी नहीं बोल रहा, दीदी नहीं बोल रहा, दीदी इसे अक्का ही बोलता है बस। तो आप बच्चे खाएंगे बिस्किट और गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, शाम की चाय है दोस्तों हमारी। मेरी कटोरी कैसे तो भी दोस्तों टाइम हो गया है, शाम के ना 6 बज चुके हैं और हम लोगों ने चाय वगैरह तो पी ली और अभी हमारी तैयारी हो रही है खेतों की तरफ जाने की। तो किस लिए जा रहे हैं वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलता ही रहेगा। बाकी देखो धूप ना सामने पहाड़ों पे चली गई है और ये देखो आदिक यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ना सब्जी काटने के लिए लेकर आए हैं और आदि के लिए यहाँ पे केले हैं, एक अक्कू के लिए, आदि के लिए, और आदि ने से नीचे गिरा रहा। आदि हम जा रहे हैं, बाय 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 करो पापा को, बाय बाय करो है, अभी चेक करनी है वो। तो अदिदेव भी जा रहे हैं ब्लॉग अपलोड करने के लिए और दिन में ना एडिट कर दिया था, तो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे वीडियो अपलोड होने में ना बहुत टाइम लग रहा है। तो अब क्या हो गया है कि हमने रूटीन ही चेंज कर दिया है, शाम को ना वीडियो अपलोड करने जाते हैं बिल्कुल सामने, जहाँ पे ना अक्कू का स्कूल है ना वहाँ पे देखो सामने पे, तो वहाँ पे नेट ना अच्छा चलता है, हमारे घर पे ना वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही, अभी ये दिक्कत आ रही है। पहले तो ना अपलोड हो जाती थी वीडियो डेली, दिन में 2 बजे मेरा ब्लॉग ना आ जाता था, लेकिन आजकल ये ऐसी दिक्कत हो रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि दिन में अपनी वीडियो एडिट कर रहे हैं और शाम को अपलोड कर रहे हैं, यानी कि शाम को 8 बजे तक आप सभी के पास ना मेरी वीडियो आ जाती है। जिन लोगों को नहीं पता है, आज से आप ना 8 बजे मेरा ब्लॉग देखना शाम को, अब हमेशा ना 8 बजे ही मेरी वीडियो आएगी, क्योंकि दिन में इतनी तेज़ धूप होती है ना कि पतिदेव चाहते ही नहीं है कि मैं नहीं जा रहा इतनी तेज़ धूप में ब्लॉग वहाँ पर अपलोड करने में, बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है आप सभी को पता है। तो फिलहाल जो है रात को 8 बजे ही मेरा ब्लॉग आएगा, है नी, रात को 8 बजे ही वीडियो आएगी। अब देखता हूँ, चाहता हूँ अपलोड करने होगी तो। ये देखो इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। अरे कई बार नहीं होती ना नेटवर्क, यहाँ पे तो
एक दिन लग जाएगा, नहीं होगी वीडियो अपलोड। तो चलो अब हम भी जा रहे हैं, हमारे साथ में अक्कू भी जा रही है और सासू माँ भी आ गए हैं। आगे द्वार कैन का नाना किधर बंद है? सुनील धागा भी दे दिया यार मुझे। बाकी ये लोग भी लगे हुए हैं सब कुछ घास खाने में, कोई एवी इंजॉय करने में लगे हुए हैं। ये देखो हमारा सिम्बा तो घास खाता ही नहीं है भाई। सिम्बा इसको कपड़े चाहिए होते हैं, हमारे कपड़े खाता है दोस्तों। इसने ना मेरे ना 3 से 4 सूट तो काट ही दिए। जैसे मैं इसके पास जाती हूँ जैसे झाड़ू वगैरह लगाने, गोबर वगैरह साफ करने के लिए ना, उस टाइम पे इसने मेरे इतने कुर्ते काट दिए। बाय आदि भाई, बाय बाय आदि भाई। हम आदि को बाय कर रहे हैं, वहाँ से बाय कर रहे हैं बाय। और आदि की ना एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, जैसे छोटे बच्चे हैं ना, अब आदि तो देखो 1.5 साल का हो गया, वो चीज़ें भी समझने लग गया है। तो उस वो ना कभी जैसे हम जाते हैं हम बाय करते हैं ना, कभी नहीं रोता भाई, कभी भी नहीं, क्योंकि वो अपनी बुआ के साथ ना एकदम खुश रहता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी मम्मी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, खुश रहता है भाई वो। आपको एक काम करना पड़ेगा भाई, ना बोल। तभी दोस्तों सासू माँ भी आ गए हैं और आगे आगे चल रही है अक्कू, और मैं जा रही हूँ व्लॉग बनाते बनाते, जो कि मेरी ड्यूटी है भाई। और ये देखो हमारा गांव, किसान लोग, किसान लोग को देखकर मुंह पे चलो अक्कू चलो। तो दोस्तों हम जा रहे हैं, आगे हमारी खेत है वहाँ पर, और हम जा रहे हैं झगड़े लेने के लिए, जो कि जैसे चचिंडे और ककड़ी और कद्दू की जो बेल है उनको सारा देने के लिए काम आते हैं। तो वही झगड़े लेने के लिए ना हम लोग जा रहे हैं खेतों की तरफ, और हमारे साथ ना अक्कू भी ज़िद करके आ गई। और रास्ता भी देखो ख़राब सा है, कैसे ये वापस जाएगी ना, दिक्कत करेगी, फिर हमारे पास झगड़े भी होंगे। अक्कू फिर कैसे जाएगी? क्या सूट सिलाई नहीं था मैंने पिछले साल बनी था। चल 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 गणेश चिचन यार। तो खूब से फारा खोलता है। और हमारे साथ देखो फूफू भी आ रही है, किसान भाई, किसान। ये हमारे गांव की नंबर वन घसेरी है, नंबर वन घसेरी। घसेरी बोलते हैं जो घास काटते हैं, घसेरी नंबर वन घसेरी है। दो दो भैंस पालती है बुआ, इनके पास दो दो भैंस आती है और बकरियां भी हैं। नहीं फूफू टाइम गए, और हाँ छोटे छोटे मुर्गे भी पाल रखे हैं उन्होंने, मुर्गी पालन भी करती है, अंडे भी देती है, अंडे भी देते हैं इनके मुर्गे, है ना मुर्गी, मुर्गी अंडे भी देते। कितने अंडे खाते वो? 5 दिन में 10 अंडे। एक दिन में 10 अंडे दे देनो? दे देना जन 2 दिन। अरे आपको दाते बने एक दिन में एक दिन दन बार ना ना कवर बेल दे। हां कवर एक दिन छोड़। अच्छा 5 दिन में बन ये जान वाला। चलो 5 दिन में बस 10 जान वालो सत्य दे 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 आंसर। अच्छा एक दिन में 2 अंडा। तो दोस्तों रास्ते चलते चलते ना अभी मुझे यहाँ पे देखो ये मिल गया है एक फल, इसको बोलते हैं किंगोड़ बोलते हैं, और इसमें देखो ये कांटे कांटे हैं और बाकी इसमें ना देखो ऐसे फल लगे हुए हैं। और अभी ना ये अच्छे से पका नहीं है, कुछ कुछ देखो हरे हरे हैं इसमें, और कुछ कुछ ना देखो ऐसे पर्पल कलर के हो गए हैं। और अभी नहीं खाना, को भी पके नहीं है ये अच्छे से, है ना फूफू? अभी ठीक नहीं पके नहीं आ रहा हूँ, ये देखो ऐसे हो गए ना जो पर्पल पर्पल कलर के। तो जब अच्छे से पक जाएंगे ना तब इनको खाते हैं, और इसमें नमक मिर्च मिला के ना बहुत ही टेस्टी होते हैं। और किस किस ने ये किंगोड़े खाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और हिसर भी होते हैं दोस्तों, लेकिन हमारी साइड ना ये हिसर वगैरह ना बहुत ही कम होते हैं, ज़्यादा इस साइड नहीं होते हैं ये, तो कुछ कुछ तो मिल जाते हैं। अभी देखेंगे, अब तो ख़त्म हो गया हिसर भी, नहीं छीन देना हिसर नींद ना, खत्म हो गई, वो भी बोलिए ख़त्म हो गए हिसर। आप फिर उन्होंने इस साइड देखो पूरे में आग लगाई हुई है ताकि घास हो जाए हरा हरा,
जब बारिश होगी। बोल रही क्यों नहीं अब? तो दोस्तों अभी ना मम्मी ना इतना बड़ा पेड़ कहाँ से उठा के ला गई, आज सोच रहे होंगे। इसको बोलते हैं झगड़ा। हाँ। तो दोस्तों मैंने तो एक झगड़ा उठा लिया है, और वैसे ये भारी नहीं हो रहा है, हल्का ही है, लेकिन जो है ना रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ से। और अक्कू जो मेरे साथ में है तो इसको भी आराम से घर लेके जाना है मुझे, इसलिए मैं एक ही लेकर आई हूँ। चल अक्कू कैसे जाएगी अब, कहाँ आए हम, उल्टा तो नहीं आ गए हम गलत? तो अभी दोस्तों हम आ गए हैं थोड़ा सा ऊपर, और रास्ते ना बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, तो क्योंकि पत्थर वत्थर बहुत ज़्यादा जगह जगह पे, कहीं से रास्ता टूट ही रखा है, ऐसा हो रखा है। और अभी ना ये झगड़ा ना यहाँ पे मेरे से नीचे गिर गया, तो बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे रखा है इसे, और अब उठाती हूँ फिर से। और अब ना आपको सीधा घर पे ही मिलेंगे, क्योंकि रास्ते में ना ब्लॉग बनाना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि सर में मेरे पास ये है, अक्कू को चलना भी मुश्किल हो रहा है, रास्ता ख़राब है, तो इसको भी देख देख के चलना है, यानी कि इस पर भी नज़र रखनी है मुझे। तो ब्लॉग बनाएंगे घर जा कर के। वो कांटों से बच के आ गए हैं सही रास्ते में, देखो अभी मम्मी आ रही है एक पहाड़ उठा के ला रही है। देखो मेरे पे अटैक होने वाला है दोस्तों, और पीछे देखो क्या झाड़ी है। और मम्मी कह रही थी कि हम घर में मिलेंगे, पर मम्मी को ये नहीं पता कि हम कि अच्छा अच्छा रास्ता भी आएगा बीच में। तो अभी हम ना थोड़ी व्लॉगिंग कर रहे हैं, और दादी और ताई तो ना पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं वहीं वहीं पे अभी, और हम तो कब के सही रास्ते में भी पहुंच गए, और पता नहीं ताई और दादी के क्या हालत होगी वहाँ पे। तो दोस्तों अभी ना हम ना घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भैंस है, सिम्बा है, बकरी है, और मम्मी तो वहाँ पे ताई के साथ बातें कर रही है। और यहाँ पे देखो मम्मी ने पूरे अच्छे से पूरा चमका दिया, यहाँ पे झाड़ू मार दिया पूरा, और यहाँ पे मम्मी ने झगड़ा फेंक दिया। तो फाइनली दोस्तों घर पहुँच चुके हैं, और जो झगड़ा है वो मैंने यहाँ नीचे रख दिया है, तो कल हम ये वाले जो चिचिंडे की बेल है ना इस पर लगाएंगे उसे। और अभी जो है घर तो पहुंच गए हैं, अभी मेरे को भैंस को भी नहलाना है, और जो थोड़े बहुत जो हमने बेल बो रखी है मिर्ची के पौधे हैं उनको पानी में डालना है। ये देखो हमारी भैंस, अब नहलाने का टाइम हो गया भाई, चल आ जा।